हेलो एवरीवन जिस तरीके का खतरनाक वाला प्यार अपने साइंटिफिक के वीडियोस को मिल रहा है वो देख के तो भाई साहब मेरा मन तो एक ही कह रहा है मेरा मन एक ही कह रहा है कमन आप भी कहिए कम सबका ध्यान बाबा का ज्ञान तो ये आपसुलटली साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं ये पूरी की पूरी सीरीज हम चला रहे हैं जहां पे कोई बंदे को कैल्सी के बारे में दिक्कत होनी नहीं, नहीं चाहिए मक्खन की तरह वो कैल्सी चलाना चाहिए वही हमारा मेन मकसद है और कॉन्सेप्चुअल चलाना चाहिए यार तब जाके असली मजा आएगा चलिए तो फिर हैशटैग लगा के सब आ जाओ यो यो बाबा जी बोल के शुरुआत करते हैं इस सेशन नंबर थ्री को जहां पे और भी खतरनाक ऑपरेशंस आपको पढ़ने मिल रहे होंगे तो आपके मोहब्बत वाली लाइक प्यारी प्यारी शेयर और खतरनाक वाली सब्सक्राइब को सैल्यूट लेकिन और भी होना चाहिए आपकी सारी ग्रुप्स में जरूर शेयर होना चाहिए क्योंकि ये ज्ञान है ये इंजीनियरिंग का ज्ञान है ये असली ज्ञान है क्योंकि क्याल हमारे लिए भगवान होता है तो वो भगवान को जानना बहुत जरूरी है

लास्ट वीडियो में हमने कर दिया था परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाली कहानी और थोड़े एल्जेब्रिक अपर लेवल के कैलकुलेशन आज हम लोग सबसे पहला ऑपरेशन पढ़ रहे होंगे दैट इज फैक्टोरियल है ना सबसे पहला ऑपरेशन फैक्टोरियल चलिए यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या होता है ये ऑपरेशन बड़ी ध्यान से सुनिए आपने में इसको पढ़ा हुआ है ये इस तरीके से दिखता है एक्स फैक्टोरियल So x x इट आप कैन आपको बोला टेन फैक्टोरियल तो आप ये तो नहीं करोगे टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन सबका मल्टीप्लीकेशन उतना समय नहीं है आप सीधा सीधा क्या करने का मैं बताता हूं यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है आपको इनवर्स वाला है ना ये इनवर्स वाला चेक करो कैलसी में चेक करो आपके पास भी कैलसी है मैं कह रहा हूँ सब लोग कैलसी लेके बैठो वरना प्रवचन बहुत अच्छा लगेगा समझेगा कुछ नहीं है समझने के लिए कैलसी लेके बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको तो ये जो बटन है इसके ऊपर आपको गोल्डन मार्क्स से एक्स फैक्टोरियल दिखाई पड़ रहा है शिफ्ट दबा के वो बटन प्रेस करने का आपको फैक्टोरियल की सिंबल मिलेगी जो नंबर चाहिए वो डालो बाबा जी का नाम लो और इक्वल टू दबा के सीधा आंसर लेके आना तो ये फैक्टोरियल वाली चीज जो आपको यहां से मिल सकती है सर छोटा सा है छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है मैं क्या कह रहा हुँ? छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे दिख रहा है एस टू डी कन्वर्जन एस टू डी कन्वर्जन मतलब फ्रैक्शन टू डेसिमल डेसिमल टू फ्रैक्शन भाई साहब ये जो बटन है ना मैं तो कह रहा हूँ इसको मतलब जो आप क्या कहते हैं यार इसको मतलब हार या फिर जो अपन माला वाला पहनाते हैं ना भगवान को ये बटन को वो पहनाना ये बटन को वो पहनाना देखो वहाँ पे दिख रहा है आपको कोई भी नंबर होने दो भाई साहब कोई भी नंबर होने दो उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये बटन दबाइए या फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यही बटन दबाने का वापस वही दबाने है ना एक ही बार दबाने का आंसर आ जाएगा समझ रहे हो इक्वल टू दबाने की वगैरह कोई जरूरत नहीं है सपोज मुझे आंसर यहाँ पे मिल चुकी है सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइव बाई सिक्स। तो अगर आपको इसको पॉइंट में चाहिए ना आप क्या करते बैठोगे सर पॉइंट जीरो पॉइंट फिर ये सब कैलकुलेशन नहीं सीधा ये बटन प्रेस करने का काम तमाम सीधा काम तमाम मचा दोगे आप बिल्कुल अगर इस बटन का बहुत ढंग से इस्तेमाल करना सीख गए तो मैं कह रहा हूं ना फिजिक्स मैकेनिक्स बी डबल इतना प्यार करोगे ना इस पेपर के समय इस बटन को क्या ही बोलू मैं सीधा क्या ही बोलू तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद ये बटन बहुत कम बार यूज होता है अपनी इंजीनियरिंग में लेकिन इंपॉर्टेंट है ही परसेंटेज परसेंटेज होपफुली आपको ये बटन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है है ना ब्रैकेट के बिल्कुल भी ब्रैकेट के बिल्कुल भी ऊपर ये बटन आपको दिखाई पड़ रहा है परसेंटेज शिफ्ट दबा के वो आप बिल्कुल लेके आ सकते हो नेक्स्ट ये दो जो बटन आपको बाजू बाजू में दिख रहे हैं ना ये जो दो बटन आपको बाजू बाजू में दिख रहे हैं ठीक है यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन के दो बटन्स हैं इनको आप बिल्कुल यूज कर सकते हो ये ब्रैकेट के लिए आपको कोई शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है ये डायरेक्ट आपको मिल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर ओके उसके ऊपर जो ब्रैकेट क्लोज का सिंबल है ना उसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये एक ये एक आपको बटन दिखाई पड़ रहा है ये एक आपको सिंबल दिखाई पड़ रहा है कॉमा का सर क्या इसमें इंग्लिश भी सॉल्व की जाती है अरे <laughs> भाई साहब नहीं ये इंग्लिश वाला कॉमा नहीं है ये हमारे बी डबल वाला कॉमा है मैकेनिक्स वाला कॉमा है कहाँ पे यूज करते हैं थोड़ा इंतजार बाकी तो बाबा जी से प्यार ही प्यार सब कुछ बताऊंगा ठीक है उसके बाद मेरा बटन आता है हाइपरबोलिक फंक्शन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक फंक्शन ठीक है मतलब कोई भी एंगल अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का ढूंढना है हाइपरबोलिक मतलब क्या होता है सर देखो जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक है ना उनको इसकी अहमियत पता होगी आपने पढ़ा होगा साइन हाइपरबोलिक दैट इज साइन कॉस हाइपरबोलिक दैट इज कॉश टैन हाइपरबोलिक दैट इज टैन शेक कोशेक ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ठीक है इनके अगर वैल्यूज आपको ढूंढना है फॉर एग्जाम्पल शाइन ट्वेंटी टू ये ऐसा सब कुछ आपको ढूंढना है तो ये वाला बटन आपके बेहद काम का है यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइपरबोलिक चेक करो यहाँ पे आपको दिख रहा है एप्सुलूट वाला हाइपरबोलिक मैं इनको हटा देता हूँ एप्सुलट वाला हाइपरबोलिक तो ये हाइपरबोलिक प्रेस करने का स्क्रीन के ऊपर सारे हाइपरबोलिक फंक्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे यूजुअली तीन दिखाई पड़ते हैं साइन मतलब साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक टैन हाइपरबोलिक और उनके इनवर्स भी आपको यहां पे देखने मिलेंगे सर इनवर्स कैसे दिखते हैं इस प्रकार से वो दिखते हैं साइन हाइपरबोलिक का इनवर्स कॉस हाइपरबोलिक का इनवर्स एंड टैन हाइपरबोलिक का इनवर्स तो ये आपको एब्सोल्यूट वाला यहां पे दिखाई पड़ेगा ठीक है तो ये बटन आपको मेजरली इस्तेमाल करने हैं और बाकी तो नंबर्स यहाँ पे आप जानते ही हो नंबर्स बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े दिए हुए हैं तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो उसके बाद पावर वाला एक कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ पावर वाला ठीक है मतलब आप टेन रेस टू में कोई कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये टेन रेस टू वाला कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा उसका बटन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है देखो यहाँ पे पड़ रहा है ओके आपको यहाँ पे पड़ रहा है ठीक है उसके बाद बाजू में आंसर ए एन एस लिखा गया है ए एन एस मतलब कोई भी आंसर को अगर वापस से आपकी स्क्रीन के ऊपर लाना है गलती से आपने वापस ऑन ऑफ कर लिया और वापस से प्रीवियस आंसर आप देखना चाहते हो तो बस आंसर पे क्लिक करिए इज इक्वल टू दबाइए आपका काम बन जाएगा वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये कैलसी प्रीवियस वाले कैलकुलेशन को बिल्कुल उसकी मेमोरी में रखता है ज़्यादा आप मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते अलाउड भी नहीं है कर सकते हो लेकिन अलाउड नहीं है समझ रहे हो तो नहीं अलाउड है सिंपल आप बस प्रीवियस वाले आंसर को लेके आ सकते हो बाकी कुछ भी करने की अनुमति आपको नहीं है सो दीज मे कैलकुलेशन आर इंपॉर्टेंट सर लॉगेडमिक के बारे में बताइए हम हाँ उसके लिए इंतजार कर रहे हैं तो चलिए आ रहा है लॉग वाला कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो लॉग ऐसा है और ऐसा है सबसे इंपॉर्टेंट बटन मेरे लिए यही होगा यार देखो इधर एक है, है ना इधर एक है और इधर एक है सर तीन तीन दिखाई पड़ रहे एक सिंपल लॉग है यूजुअली हम ये वाला बटन ज्यादातर यूज करते हैं ये वाला ठीक है ये वाला ठीक है लॉग वाला ये ज्यादातर यूज करते हैं मैकेनिक्स में एल एन वाले बटन की जरूरत होती है एल एन तो ये एल एन वाला पहले लॉग और फिर एल एन वाला नेचुरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे दो तरीके के यहाँ पे बटन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे अगर बेस कभी चेंज होता है ये जो लॉग होता है ना इसका बेस होता है इसका बेस, बेस कितना होता है ई होता है और इसका बेस अगर आपको कोई चेंज करना है ट्वेंटी रखना है पचास रखना है जो भी रखना है तो आप उस समय ये वाला चेंज ऑफ बेस के लिए यूज करोगे चेंज ऑफ बेस के लिए ठीक है और ये नेचुरल के लिए होता है ये नेचुरल एल एन एल एन लॉक जहाँ पे यूज करने बोलते हैं तो वहां पे ये यूज होता है ओके सो फिलहाल के लिए ये ऑपरेशन इतना काफ़ी है ठीक है इस सेशन के लिए जरूर आप अपने मन से नंबर लीजिए मैं पहले सेशन से चिल्लाते आ रहा हूं। आप बिल्कुल खुद से नंबर लीजिए खुद से इन ऑपरेशंस को खुद ही परफॉर्म करके देखिए कि पे पे करने में में दिक्कत दिक्कत आ रही है। जहां पे दिक्कत आ रही रही है है सीधा कमेंट कमेंट बॉक्स करिए नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे फोर्थ सेशन में आपको बताने वाले डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और मेट्राइसिस के बारे में तो फोर्थ सेशन जरूर देखना चाहिए क्योंकि तीनों के तीनों ऑपरेशन दिल के करिए से प्यार होता है, इंटीग्रेशन दिल के करीब होता है लेकिन सरकस्टिकली ओके तो जरूर इन सब ऑपरेशन को आपको देखना चाहिए मिल रहे होंगे उतनी ही जोश जुनून और ताकत के साथ सेशन नंबर फोर में तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।